एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ लीजिए, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, या रॉड का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है, थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन, एक इनका टेम्परेचर थीटा टू है, दूसरे इनका क्या है थीटा वन, कहता है फाइंड थर्मल कन्ना, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज के, और इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है के, तो इसके थ्रू थर्मल करंट निकालना है, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहां से यहां तक जाने में नीचे से मान लो टेम्परेचर यहां ज्यादा है यहां कम है, तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, नीचे से ऊपर, हॉट एंड टू कोल्ड एंड की तरफ हीट का फ्लो होगा। अब हीट के फ्लो के डायरेक्शन में चलेंगे तो यहां तो जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेंथ के लॉन्ग चल रहे हैं, तो इसका एरिया तो चेंज कर रहा नहीं, यहां पर का एरिया सबसे ज्यादा है, ऊपर जाने पर रेडियस घट रहा है, घटते घटते रेडियस सबसे कम यहां है, तो एरिया चेंज कर जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए करते क्या है, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक एलिमेंट कट कर लेंगे, यहां से कितना डिस्टेंस चल करके, वाई डिस्टेंस चल करके, कितना थिकनेस का डीवाई थिकनेस, कितना थिकनेस का डीवाई थिकनेस, जो भी एलिमेंट कट करेंगे तो सर्कुलर बनेगा, एज ए सर्कुलर डिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप वायर को कट कीजिएगा जैसे पेन है, कट करेंगे तो क्या बनेगा, डिस्क तो बनेगी, लेकिन ये पेन यूनिफॉर्म शेप का, इसलिए डिस्क यूनिफॉर्म बनेगा नहीं। जैसे आप गाजर देखते हैं, गाजर का शेप क्या है, इसी शेप का रखता है, जैसे जैसे हम आगे तक बढ़ेंगे इसका जो है रेडियस चेंज कर दिया जाता है गाजर में नहीं, क्योंकि जो भी आप कट करते हैं वह कैसा बनता है, एज इट इज नहीं, गाजर का शेप ना कोनिकल शेप, एज इट इज, एज इट चिप्स, वाई डिस्टेंस डी वाई थिकनेस। अब इसको निकाल लीजिए, निकाले तो ऐसा पिक्चर बनेगा है ना, ये उसका ये डी वाई हो गया और इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस स्मॉल आर ले लीजिए, क्या ले लें स्मॉल आर, यहां ये है रेडियस इसका स्मॉल आर। अब इसी से हीट पास करेगा, इससे हीट पास करेगा, इससे हीट पास करेगा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी, स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहता है, फॉर्मूला क्या पढ़े, माइनस के ए, ये कितना वाई डिस्टेंस पे, इनटू डीटी अपॉन डीवाई, टेंपरेचर ग्रेडियंट, टेंपरेचर डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, एरिया क्या हो जाएगा माइनस के एरिया, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, याद है ना सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा डीटी अपॉन डीवाई। लेकिन मेरे पास ना वेरिएबल दो है, क्या क्या वेरिएबल है, एक है मेरा वेरिएबल इसका रेडियस और दूसरा वेरिएबल है डिस्टेंस वाई, है ना, दो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करने में तो दिक्कत होगा, तो हम लोग जो है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वह कैसे करेंगे, उसका तरीका है कि यहां से इसके जो है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, जब ड्रॉ कर दीजिएगा ये परपेंडिकुलर, तो यह डिस्टेंस आपका आर वन है ना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी आर वन हो जाएगा, लेकिन यहां से आपका डिस्टेंस आर टू है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर वन, ठीक है, ये डिस्टेंस आर वन है तो भी आर वन होगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आर माइनस आर वन, इस एंगल को ले लीजिए अल्फा, क्या ले लें अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल से क्या लिख देंगे,
tan alpha equal to, बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर R2 माइनस R1 बाय लेंथ L इक्वल टू tan अल्फा क्या लिखेंगे, या डिस्टेंस छोटा वाला ट्रायंगल R माइनस R1, यहां से यहां का लेंथ क्या है y है, ये डिस्टेंस आपका y है, तो रेस्ट डिस्टेंस क्या बचेगा यहां से यहां का डिस्टेंस L माइनस y, या डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस y, है ना। तो क्या लिखेंगे, R माइनस R1 अपॉन L माइनस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहां से आ रहा है, टेंट अल्फा है ना। अब क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 बाय L इनटू L माइनस y बराबर R माइनस लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए यहां, यहां R है, यहां dy है, तो सबसे बेस्ट है कि dy को R के टर्म में लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, R2 माइनस R1 बाय L, कैलकुलेशन आसान रहेगा, ये जीरो हो गया, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy by dr ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं, अब जो है इक्वेशन फर्स्ट कहिए, अब यहां से क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू dy इक्वल टू dr इंटू एल अपॉन आर टू माइनस माइनस साइन लग जाएगा, है ना। अब पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वे फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द थर्मल करंट, माइनस पाई के आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी वन, डे वाई इक्वल टू डी आर एल, ऊपर चला जाएगा आर टू माइनस, अब डी आर किधर ले आएंगे, थर्मल करंट इंटू डी आर अपॉन यार वेरिएबल है, इंटीग्रेशन पाई के R2 माइनस R1 इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना। लेकिन माइनस है, माइनस रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बराबर रखेंगे ना, सिंपल माइनस, माइनस से बताता है कि करंट फ्लो के डायरेक्शन में चलेंगे, टेंपरेचर घटेगा। अब देखिए यहां का टेंपरेचर थीटा 2 है, थीटा टू टेम्परेचर है तो रेडियस क्या है, आर टू है, जैसे ऊपर जा रहा रेडियस घट रहा है, रेडियस जैसे आर वन हुआ वहां का टेम्परेचर क्या है, थीटा वन है, ठीक है। पहले तो लिख लीजिए, थर्मल करंट यहां से फ्लो करेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, इससे थर्मल करंट जाएगा वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो पाई के आर एस पर इतना, यहां माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस है ना, यहां प्लस होगा, डाल देते हैं इसको। अब चलिए, अब क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आर पर पावर माइनस टू होगा, इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू प्लस वन, माइनस टू लोअर लिमिट आर टू अपर लिमिट पाई के आर टू माइनस आर वन, टेम्परेचर टी थीटा टू थीटा। अब क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू वाई
दिस थर्मल करंट माइनस वन आएगा, माइनस वन वाई आर, आर टू से लेकर आर वन पाई के आर टू माइनस आर वन थीटा वन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा, थर्मल करंट डेल्टा टी वन बाई माइनस वन बाई आर वन माइनस माइनस प्लस वन बाई आर टू पाई के आर टू माइनस आर वन इन टू थीटा वन माइनस थीटा। अब थर्मल करंट डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी पाई के आर टू माइनस आर वन थीटा वन माइनस अपॉन वन बाई आर टू वन बाय एलसीएम ले लीजिए डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां भी माइनस कॉमन है, क्या होगा पाई के आर टू माइनस आर वन थीटा टू माइनस अपॉन वन बाई आर वन माइनस वन बाई जैसे एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा थर्मल करंट डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी कितना आ जाएगा पाई के आर वन इंटू आर टू लेंथ कहीं छूट रहा है, देखिए हाँ लेंथ है, हाँ यहां लेंथ रहेगा ना, लेंथ देखिए लेंथ छूट रहा था, लेंथ बिना लेंथ के तो होगा नहीं है ना, लेंथ छूट रहा अपॉन एल आ जाएगा, अपॉन एल आ जाएगा, यहां एल आ जाएगा, अब यहां क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू थीटा टू माइनस थीटा, ये हो गया थर्मल करंट का फॉर्मूला। क्लियर, जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट बहुत बड़ा सॉल्यूशन करने के बाद आया है, तो आप अगर क्वेश्चन अगर जल्दी में बनाना है तो कुछ बात याद रख करके बना सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को ले सकते हैं। देखिए कैसे, मान लिया जाए ये वायर जो है यूनिफॉर्म शेप का रहता, मान लीजिए ये वायर कैसा रहता यूनिफॉर्म शेप, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ के अलोंग इसका रेडियस कॉन्स्टेंट रहता, क्या रहता रेडियस, इस रेडियस आर वन बराबर भी आर होता और आर टू बराबर क्या होता कंडक्टिविटी इसका क्या है के, हीट का फ्लो नीचे से कहां जा रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, लोअर टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर वाले इनका टेम्परेचर कम है, तो थर्मल करंट का फ्लो डेल्टा क्यू वाई डेल्टा क्यू, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, फॉर्मूला क्या है एरिया कंडक्टिविटी हायर टेम्परेचर माइनस हायर टेम्परेचर थीटा टू लोअर टेम्परेचर अपॉन एल, ये फॉर्मूला है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, तो पाई दिस रेडियस आर आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन के थीटा टू माइनस थीटा वन बाय, ये ना थर्मल करंट का फॉर्मूला। बोलिए अब यही वायर आपका नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो गया, कैसा शेप का हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो गया, अब इसका रेडियस जो हो गया इसका रेडियस जो हो गया इसका रेडियस आर टू और इसका रेडियस
कंडक्टिविटी के है, लेंथ आपका एनी, इधर से इधर हीट का फ्लो हो रहा है, लोअर एंड से अपर एंड की तरफ, इधर का टेम्परेचर थीटा 1 है, इधर का टेम्परेचर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो डायरेक्ट लिखिए डेल्टा क्यू आई पाई, इस आर स्क्वायर को क्या ले सकते आर गुना आर, तो एक रेडियस यहां का लिख दीजिए आर, एक रेडियस यहां का लिख दीजिए आर, टू माइनस थीटा 1 अपॉन एल, देखिए तो ये तो रिजल्ट है, और कंडक्टिविटी के अगर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला क्या है एरिया, एरिया क्या लिखते हैं पाई आर टू इंटू आर वन, आर स्क्वायर को आर वन गुना आर लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर को आर गुना आर, लेकिन यहां रेडियस अलग अलग है, दिस आर टू दिस आर वन, तो लिख सकते हैं के बाय आर टू इंटू आर वन थीटा टू माइनस थीटा वन भाई, क्या बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा याद रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी इस तरह से। यूनिफॉर्म रहेगा तो ऐसा, अभी रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के पाई आर वन इंटू आर, एक एंड का रेडियस फिर दूसरे एंड का रेडियस इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन बाय, लिख लीजिए।